बॉलीवुड का सेल्फ एक्लेम्ड क्रिटिक KRK यानी कमाल राशिद खान इतना बेशरम और इतना यूटर्न लेने वाला बंदा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। कुछ साल पहले तक सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, इतना आग उगलते थे कि सलमान खान को अपने वकीलों की पूरी फौज जमानी पड़ी और KRK के खिलाफ केस करना पड़ा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया था KRK को सलमान खान की किसी भी मूवी, उनका नाम, कोई भी रिव्यू करने की परमिशन ऑनलाइन मीडिया पर नहीं है। तो इस बंदे ने बाकी दूसरे स्टार्स की फिल्मों के रिव्यू किए, उनके साथ गाली गलौज करी, लेकिन जब ये जान गया कि दौर फिर से खान का वापस आ चुका है तो ये वापस से यूटर्न लेकर घुटनों पर आ चुके हैं और सलमान खान के सामने इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं मानो इनसे कोई भोला आदमी नहीं है। बहरहाल बंदे ने ट्वीट पर खुद लिखा है कि प्रिय सुपरस्टार सलमान खान, कृपया आप मुझे माफ कर दें और अपनी आने वाली मूवी किसी का भाई किसी के जान के टीजर का रिव्यू करने की अनुमति दे दें। पब्लिक लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा कि आप प्लीज सलमान भाई को समझाइए कि मुझे इस मूवी का टीजर का रिव्यू करने की परमिशन दे दें। इतना गिड़गिड़ाने वाला बंदा बिल्कुल गिरगिट के रंग की तरह है, बिकॉज कुछ वक्त पहले इसी बंदे ने पठान का रिव्यू किया था और इसे साल की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी बताया था। हालांकि रिजल्ट सबके सामने, फिर भी ये बंदा सलमान खान के सामने किस मुंह से रिक्वेस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, बंदे ने एक इमोशनल एंगल भी खेला है, सलमान खान उनको माफ नहीं करेंगे ये बात KRK अच्छे से जानता है, फिर भी सलमान खान के फादर को इस पूरे मामले में ऑनलाइन घसीट लिया है और लिखा है ट्वीट करके, सलीम खान साहब आप अपने बेटे को समझाइए और रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी बात मान जाए सलमान खान और मुझे अपनी मूवी का रिव्यू करने के लिए अपने वकीलों को समझाएं और उनके खिलाफ जितना भी प्रतिबंध लगा है उसे दूर कराएं। बंदा अपने आप को पेशेवर आलोचक मानता है, फिर भी हीरो हीरोइन के बारे में इतने घटिया टिप्पणी करता है, कोई कह नहीं सकता ये बंदा आलोचक है। फिर भी इसकी दुकान सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार इन्हीं के नाम पर चलती है, इसलिए बैक टू बैक रिव्यू करने के नाम पर अर्निंग भी करता है। लेकिन जब से सलमान खान की फिल्मों को रिव्यू करने के लिए कोर्ट ने परमिशन देने से मना कर दिया, तब से इन भाई साहब को अपना बिजनेस सेंस समझ में आया और अब ये माफी मांगकर गिड़गिड़ाकर सलमान खान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए सलमान खान वो बला है जो किसी से नफरत कर जाए तो ताउम्र माफ नहीं करते, फिर चाहे विवेक ओबराय हो, अरिजीत सिंह हो, ऐश्वर्या राय हो या कोई भी बंदा हो, सलमान खान की आंखों के सामने जो बंदा खटक गया वो लाइफ टाइम खटका रहेगा। और KRK तो बिल्कुल खटमल माफिक हैं, ऐसे में सलमान खान से उम्मीद कम कर सकते हैं कि वो उनको परमिशन दे देंगे। हालांकि जिस तरह से KRK ऑनलाइन मीडिया में सलमान खान का नाम इस्तेमाल करके पब्लिसिटी बटोर रहा है, इसे एक पब्लिसिटी स्टंट ही कहेंगे, बिकॉज आज ये बंदा सलमान खान से रिक्वेस्ट कर रहा है, कल अकड़ में कोई और बात लिख देगा और बोलेगा सलमान खान की औकात नहीं मुझे परमिशन देने की, मैं जब चाहूँ जिसकी रिव्यू कर सकता हूँ। तो ये पूरा गिरगिट है, यूटर्न लेने में माहिर है। बहरहाल सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी के जान को ये अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी सलमान खान इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन देते हैं या पिछली बार की तरह उनके वकीलों का ही नोटिस जाएगा और KRK के मुंह को फिर से ताला लगाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं किसी का भाई किसी की जान जल्दी आएगी, लेकिन KRK के नापाक मुंह से इसका रिव्यू ना हो तभी बेहतर है। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।